भैया हम पहुंच गए हैं बालाकोट बाजार में और यहाँ से एक फात बॉय हैं, उनको लेके जाना है हमने साथ अपने। और बाकी ये चेक करो ट्रैफिक लग रही है। आगे से कहीं से करेंगे ना, आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यही पे। हां कुछ नहीं है, दूसरा वो अभी कॉल भी नहीं उठा रहा, इतनी देर में चलो नाश्ता कर लेते हैं इधर से। चलो ठीक है, चलो भाई यहाँ पे रुक के भी जो है वो नाश्ता करते हैं। नाश्ता नहीं, ब्रेकफास्ट करेंगे हम। जी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। ओके आप ब्रेकफास्ट करें, ये ब्रेकफास्ट करेंगे, मैं नाश्ता करूँगा। तो भाई पराठी घाटी लग रही है और बाकी देखते हैं। ऐसे करके बंद करना, ऐसे कर। ये भैया मुर्गियाँ शुर्गियाँ भी आ चुकी हैं यहाँ पे, हम अभी जा रहे हैं फिलहाल पुल की तरफ। भाई ये वो पुल है जो कि जलजले के दौरान जो है वो डैमेज हुआ था काफ़ी, और फिर इसको FWO और हमारी पाक फौज ने मिलकर ना इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया था टेम्परेरी तौर पे, और अभी ये जो है ना फिर बहाल हो चुका है। ये इतना कोई ठंडा चिल पानी है ना, ये हाँ भाई फुल चिल पानी है ये भाई। अभी मैं तो डुबकी मारते हैं ना, डुबकी मारने वाला नहीं है। हम लोग चलते हैं भाई नाश्ते के लिए, जब तक बॉय आता है हमारा तब तक हम यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। क्या ख्याल है आसान भाई? मैं कह रहा हूँ नाश्ता करेंगे नहीं, नाश्ता फाड़ेंगे। नाश्ता फाड़ेंगे भाई, खाएंगे अंडा पराठा, हरा पराठा। मुझे अंडे वाला बर्गर। बर्गर नहीं है यहाँ पे है? तुम बर्गर बच्चे, तुम इस्लामाबाद निकलो। ये भैया हमारा बन रहा है यहाँ पे अंडा ऑमलेट। बाकी सारे बॉयज हैं वो भाई बाहर बैठे हुए हैं, अपनी टफियों में लगे हुए हैं, और मैं आप अंदर आके यहाँ बैठ सकते हैं। और भाई ये आपको पता है यहाँ पे ये कल्चर है कि ये सिटिंग अरेंजमेंट जो है ना यहाँ पे इस तरह की होती है, मतलब आप बैठ जाओ यहाँ पे आके और फुल सुकून करो। भैया ये आ चुके हैं चने, चाय की चुस्की, इतने मजा ही आ गया भाई। आइए किसी भी कॉल यार अरसान भाई, सीन्स ये हो रहे हैं भाई कि जिधर भी हम कोई चीज़ लेते हैं ना खाते पीते हैं तो हर भाई बॉय जो है ना वो ये कहता है मैं दूंगा पैसा। क्या इसका करें भाई, इसका कोई सोल्यूशन आप बताएं? इसका ये सोल्यूशन है, हम पहले भी यही करते थे कि जो दे रहे उसे देने दो खामोशी के साथ। इसका वैसे मैंने ये सोल्यूशन निकाला कि भाई एक ग्रुप बनाओ, पैसे डालो, उसमें पैसे डालते जो और एंड में जो है ना वो लगा लेंगे कि भाई कितने लगे और वो कंट्रीब्यूट हाफ हाफ हो जाएगा सबका, डिवाइड हो जाएगा। तो भैया ये निगरान जो है ना ये तैबी को बनाते हैं हम। भैया नाश्ता कर लिया और सिग्नल या तो नहीं आ रहे या फात भाई अभी तक सोए हुए हैं? नहीं नहीं सिग्नल आ रहे हैं, फात भाई सोए हुए हैं, सो गए हैं वो। जी फात भाई ने करा के दे दिया हमें, असल में हम जिस बंदे से फात है ना वो कभी टाइम पे नहीं आया, मिस करा दिया हमने फात। उस हिसाब से 5 बजे कहा होगा, उसने कहा होगा 8-9 बजे आएंगे दोस्त जो है ना उसका। यार वो फादी पता नहीं कहाँ है, फोन नहीं उठा रहा, व्हाट्सएप पे भी ऑफलाइन है वो, काफी देर हो गया। तो कब उठेगा? ये भाई जीप वाले जिसको लेके जा रहे हैं ना साथ, ये उसका नाम बता रहे हैं भाई, 2-3 नंबर इन्होंने सेव किए हुए यार। मैं तो कह रहा हूँ भाई वोटिंग कर लेते हैं, मस्त प्लान है। नाम बताएं कौन कौन से हैं? इफ्तिखार, बिलाल और मंजूर। बिल्ला है, इफ्तिखार ठाकुर है और मंजूर है। किसको लेके जाना है? तीनों चलो, जो मंजूरी करते हैं जो फास्ट पहुँचा दे हमें सब कर लेते हैं। तो भाई जी सबसे पहले ट्राई करते हैं, नहीं अभी बताएंगे, वाप भाई बताएंगे अभी वाप भाई बताएंगे, भूल ना गए तो बताएंगे। हेलो मंजूर भाई क्या हाल है? मंजूर भाई को कॉल लग गई है भाई। मंजूर भाई ठीक है? तो इन्हीं को शायद लेके जाएंगे साथ। अच्छा मंजूर भाई जीप चाहिए थी, नीचे खवाई में। भैया प्लान में थोड़ा सा आ चुका है ट्विस्ट, फात भाई जो है वो अभी तक सो के नहीं उठे, जो गाइड थे हमारे जिनको हमने साथ लेके जाना था स्पोर्ट्स कर दिया तो उनको हमने करा दिया भाई मेस इस टाइम। और क्या प्लान है भैया, हमारा भाई अभी क्या अभी
प्लान हमारा ये है कि हम खिवाई जाके देखेंगे, अगर तो जीप हमें कोई वारे की मिल गई तो जीप, नहीं तो फिर हम अपनी गाड़ियों को भी ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर से फिर जीप करेंगे जाके। तो और वो कितना तक लेके जाएगा हमें? वो हमें लेके जाएगा सिरी पाई। ठीक हो गया, तो वहाँ सिरी पाई मिल जाएंगे? सिरी पाई, दुमचियाँ, हर चीज़ मिलेगी। हाँ, दुमची वाला भी एक बंदा है हमारे पास, दुमची खाएंगे, छोड़ दो बाकी सब पे, दुमची है। मेरे का पावर मोड अब स्पोर्ट्स मोड में नहीं आ भाई, गाड़ी का जाना स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स। क्या पक्का हुआ? जी वो मानते हैं। सिरी पाई की स्टोरी बता दे जरा। सिरी पाई की स्टोरी जनाब ये है कि भूल गया, नहीं नहीं वो शहजादे का नाम मुझे भूल गया। वो ना नहरान ना ऊपर गया था झील सैफुल मुल्क में, उधर उसने देखी थी एक परी। अच्छा, उस परी से उसको हो गया था प्यार, इश्क। अच्छा, उस परी के पीछे ना वो पागल हो गया और वो जो है क्या कहते हैं अपने बाप जो बादशाह था ना उसको, वो कहता है कि मैंने इसे शादी, बादशाह ने उसको जो है ना घर से निकाल दिया, महल से निकाल दिया कि जो है ना ये परियां किधर कब आती हैं, ये वो इस तरह के जो भी ऐसी। फिर ये हुआ कि वो शहजादा जो है ना वो परी की तलाश में निकल आए इधर सैफुल मुल्क में, परी उधर उसने कुछ चिल्ला काटा और क्या वो इसी तरह चिले छिले काटता रहा। खैर उसके कब्जे में ना कुछ जिन आ गए, जिन्हों के थ्रू वो फिर पहुंच गया परी तक। परी को लेके तो शादी की उसने, उधर ही जो है ना सैफुल मुल्क में रहना शुरू कर दिया उसने। फिर वहाँ से किसी ने बताया कि आप अपनी ना सल्तनत इधर बनाई शोकरा से ऊपर तसीरी पाई है इस जगह पर। अब आगे उससे आगे कोई नहीं, अब याद नहीं कि क्या थी स्टोरी, बाद में बताऊंगा, पर आती है मुझे बाद में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया 2 से 3 मिनट और से सुनने के लिए। ये गाड़ियां हमने जो है वो यहाँ पे पार्क की है और ये सारे बॉयज जो है ये डिस्कशन कर रही है जीप शीप के लिए, क्योंकि यहाँ तक बस गाड़ी जाएगी हमारी, इससे ऊपर गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ना ऊंचाई स्टार्ट हो रही है। और ये चेक कर सकते हो भाई लिखा है वेलकम टू शोकरा, यहाँ से हम जीप करेंगे। ये खड़ी है भैया सारी जीपें, ओए 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 चेक करो भाई चेक करो, और फिर हम जाएंगे ऊपर। ऊपर हमने कहाँ जाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से जो है ना ऊपर जाएंगे, ये हम स्ट्रेट अवे खड़ी हैं जीपें, इनमें से कोई जीप लेकर जाएंगे हम अपने साथ ऊपर।